देखिए, जब भी कंपनी सेल करती है तो कहीं ना कहीं उसमें अकाउंट रिसेबल जो है वो जनरेट होते हैं, तो इसलिए अकाउंट रिसेबल का अकाउंट की प्रोफाइल में बहुत ज्यादा स्कोप है। बट जब इस प्रोसेस के लिए आप इंटरव्यू देने जाएं, तो कैसे अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन को एनहेंस करें, आइए आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्लियर अकाउंट्स रिसेबल इंटरव्यू, जिसमें अगर पूछा जाए कि आप इसके मीनिंग को समझाएं, कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उसको समझाएं, बैड डेब्ट्स या फिर पेमेंट की डिस्काउंट्स कितने तरह की होती है, कैसे क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं, एजिंग रिपोर्ट क्या होती है, कैसे इस प्रोसेस को एनालाइज करें, और वर्किंग कैपिटल का कैसे रिलेशन होता है अकाउंट रिसेबल से। ये कुछ क्वेश्चन है जो इस प्रोसेस के इंटरव्यू के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि मीनिंग को बताएं अकाउंट रिसेबल के, देखिए इसके लिए एक ब्रॉडर टर्म को हम डिस्कस करते हैं जो है ट्रेड रिसेबल। ट्रेड और रिसेबल, ट्रेड का मतलब होता है जब आप बिजनेस करते हैं, रिसेबल का मतलब जो पैसा अभी आपको रिसीव होना है, मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस में जो पैसा अभी आपको रिसीव होना है उसे हम कहते हैं ट्रेड रिसेबल। और ट्रेड रिसेबल बेसिकली जब भी हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करते हैं उसी में ट्रेड रिसेबल होता है, मतलब बिजनेस जिस एक्टिविटी को करने के लिए बनाए है उसी एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस गुड्स को सेल करता है या फिर कोई सर्विस देता है क्रेडिट में उधार में, तो उसे कहते हैं ट्रेड रिसेबल। बाइक बनाने वाली कंपनी बाइक बेचती है क्रेडिट में, वो आपका आएगा ट्रेड रिसेबल। बट अगर वो कोई फर्नीचर बेच रही है वो ट्रेड रिसेबल का पार्ट नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू का पार्ट है, तो वो होगा नॉन ट्रेड रिसेबल। और ट्रेड रिसेबल बेसिकली अगर देखें तो दो तरीके से होता है, अकाउंट रिसेबल और नोट या बिल रिसेबल। जब कस्टमर आपसे रेगुलर परचेज कर रहा है क्रेडिट में, वो टाइम पर आपको पेमेंट करता है, तो कई बार क्या हम करते हैं कि कस्टमर का एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि जब भी आप उधार में माल खरीदेंगे हम आपको एक बिल रिसेबल देंगे कितने टाइम तक आपको पेमेंट करना है, ये इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। रेगुलर टाइम पे जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं अकाउंट रिसेबल। बट अगर कस्टमर नया है तो उस केस में क्या कहते हैं कि उस केस में हम कहते हैं कि हमें एश्योरेंस चाहिए कि पेमेंट टाइमली मिल जाएगी, तो उसके लिए हम बिल रिसेबल इश्यू करते हैं। ट्रेड रिसेबल जो है बेसिकली करंट एसेट्स का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो मनी जो हम गुड्स उधार में बेच रहे हैं या फिर कोई सर्विस दे रहे हैं उधार में, तो जो मनी है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या फिर एक साल के अंदर अंदर, दोनों में से जो भी ज्यादा है उस टाइम तक हमें मिल जाएगी। ये तो बात हो गई अकाउंट रिसेबल की। अब बात करते हैं अकाउंट रिसेबल में कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट होता है मार्किंग द कस्टमर फॉर ऑर्डर एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं है जब भी ऑर्डर आता है आप उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट करेंगे, कस्टमर की पास्ट हिस्ट्री कि पास्ट में वो आपको टाइमली पेमेंट कर रहा था या फिर नहीं। क्रिएट एंड कंट्रोल क्रेडिट मैनेजमेंट, अब देखिए जो क्रेडिट पीरियड आप अलाउ कर रहे हैं वो लोकेशन वाइज वेरी कर सकता है कि किस लोकेशन पे ज्यादा क्रेडिट पीरियड देना है, क्योंकि हो सकता है कंपनी वहां नई नई एस्टेब्लिश हो, वहां इतना ज्यादा कंपनी की रेपुटेशन नहीं है, तो लोकेशन वाइज प्रोडक्ट वाइज जो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है इमिडिएटली सेल हो जाता है उसका क्रेडिट पीरियड थोड़ा कम हो सकता है, बट जिसमें थोड़ा टाइम लगता है उसका क्रेडिट पीरियड थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कस्टमर वाइज कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू का सामान आपसे खरीदते हैं, उनका थोड़ा आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं। जो कस्टमर आपको रेगुलर पेमेंट करता है टाइम पर या फिर जो भी क्रेडिट पीरियड है उसके अंदर अंदर वो पेमेंट कर देता है या टाइम से पहले पेमेंट कर देता है, वर्सेस वो कस्टमर जो थोड़ा डिले करते हैं, तो उनके क्रेडिट पीरियड में थोड़ा डिफरेंस होगा। और ये भी देखेंगे कि कैसे जो आप डिस्काउंट्स है कस्टमर को अर्ली पेमेंट के लिए वो कितना दें और किस तरीके से दे सकते हैं, जिससे कस्टमर जो है वो एनकरेज होगा अर्ली पेमेंट करने के लिए। और इसमें ये भी देखना होगा कि जो बैड डेब्ट है उसको मिनिमाइज कैसे करें, मतलब जैसे कंपनी ने अगर 50,000 रुपए रिसीव करने हैं उसमें से मान सकती है कंपनी की 2-4 हजार रुपए ऐसे हैं जो डूब जाएंगे, कंपनी रिसीव नहीं कर पाएगी, तो ये जो बैड डेब्ट है उसको किस तरीके से मिनिमाइज करें इस पर कंपनी फोकस करती है। पेमेंट की कंडीशन कौन सी हो सकती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो इसलिए पेमेंट कंडीशन क्या क्या हो सकती है, क्या आप कैश पे करेंगे, कितना करेंगे या फिर कौन सी पेमेंट कंडीशन है, और अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पा रहा तो उसको सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं। जैसे ठीक है अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा तो आप उससे कोई सर्विस ले सकते हैं क्या या फिर कुछ उससे परचेज कर सकते हैं,
तो पेमेंट कंडीशंस आप क्लेरिफाई करेंगे कस्टमर टू कस्टमर, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी होता है कि फॉलो अप का जो मेथड क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट पीरियड जो है फॉर एग्जांपल 30 डेज का है, तो आप कब फॉलो अप इनिशिएट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे? क्या 30 पीरियड खत्म होने पर इनिशिएट करेंगे, या फिर कस्टमर को एक अर्ली रिमाइंडर देंगे? लेट से 25th डे में आप उसको एक रिमाइंडर देंगे कि अब आपके सिर्फ 5 डेज है, आप पेमेंट पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। या फिर अगर कस्टमर डिले कर रहा है तो उसको कैसे फॉलो अप करेंगे, कैसे पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे उससे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं अकाउंट रिसीवेबल के। अब बात करते हैं बैड डेट और पेमेंट डिस्काउंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंट रिसीवेबल में। संडे डेप्टर, आपने किसी को उधार में माल बेचा, वो पर्सन आपका बन गया संडे डेप्टर कि उसने अब आपको पैसे देने हैं। लेट्स से संडे डेप्टर है $20,000 के, उसमें से कंपनी को लगता है कि $1,000 वैल्यू के जो डेप्टर हैं वो तो पैसे नहीं देंगे, तो वो आपके हो गए बैड डेप्ट। फिर अमाउंट बचा $19,000, उसमें से कंपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पर देख रही है, कंपनी को लगता है कि 10% और ऐसे कस्टमर हो सकते हैं जो पेमेंट ना दे, तो 19,000 का 10% $1,900 उसको एडजस्ट करने के बाद अमाउंट होगा $17,100। इस पर कंपनी को लगता है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं 10,000 वैल्यू के जो अर्ली पेमेंट कर देंगे, तो इस पर कंपनी को 2% जो है वो डिस्काउंट देना होगा। तो वो 2% 10,000 वैल्यू के कस्टमर है 200, एडजस्ट करने के बाद जो नेट डेप्टर होगा वो होगा 16,900। तो ये इस तरीके से जो डेप्ट है और पेमेंट डिस्काउंट है ये आपका वर्क करता है। अगला इसमें है कि क्रेडिट लिमिट जो है इसको कैसे सेट करें। देखिए क्रेडिट लिमिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट लिमिट का मतलब यह है कि अगर कस्टमर इमीडिएट कैश पे नहीं कर सकता तो आप उसको एक ड्यूरेशन दे देते हैं कि लेट्स से 20 डेज 30 डेज के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं, बट ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। तो कैसे इस लिमिट को सेट करें, सबसे पहले कस्टमर की एवरेज परचेज, कि कस्टमर की एवरेज परचेज कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर 10-10 हजार का सामान खरीद रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट लिमिट उसकी 90 हजार सेट कर दे, क्रेडिट लिमिट उसकी 10 हजार 15 हजार हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर 10-10 हजार का सामान खरीद रहा है, आपका एक रिलेशन ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, उसके बाद वो सीधा 2 लाख की परचेज करेगा और फिर पेमेंट नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए एवरेज परचेज के बिहाफ पे आप उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो इमिडिएटली मार्केट में सेल हो जाता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट आप कम कर सकते हैं, बट अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको टाइम लगता है सेल होने में, तो अगर प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस अगर किसी की डाउन है तो उस केस में आप थोड़ा क्रेडिट लिमिट उसकी ज्यादा कर सकते हैं प्रोडक्ट की, जिससे जो आपका कस्टमर है वो एनकरेज हो उस प्रोडक्ट को खरीदने में। इसके साथ देखें क्रेडिट सेल जो है वो परसेंटेज टू टोटल सेल कितना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अंडर द लिमिट होना चाहिए बेस्ड ऑन इंडस्ट्री प्रैक्टिस। साथ में इसमें आप डिस्काउंटिंग फैक्टर्स जो है उनको भी आप फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। मतलब आपके पास बिल रिसीवेबल है, लेट्स से 800 रुपीज के बिल रिसीवेबल है, आप बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा कि ठीक है पेमेंट मिलनी है 2 महीने बाद, मैं आपको अभी पैसे देता हूं बट थोड़ा सा डिस्काउंट करके दूंगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि डिस्काउंटिंग से आप किस तरीके से अपने मनी जो है जो फंड जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने सेल करी 800 रुपए की और उस 800 रुपए की सेल की कॉस्ट थी 400, डिस्काउंट करने के बाद 700 रुपए मिल रहे हैं, तो 700 रुपए मतलब स्टील कंपनी के पास 300 रुपए ज्यादा है, उन 300 रुपए से वो रीजनरेट कर सकती है मोर सेल को। कस्टमर के पास्ट रिकॉर्ड के बिहाफ पे उसकी क्रेडिट लिमिट आप सेट कर सकते हैं। मार्केट कंडीशंस के बिहाफ पे, अगर मार्केट जो है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है तो वहां आपको क्रेडिट लिमिट थोड़ी ज्यादा देनी पड़ सकती है, अदरवाइज आप इसको टाइटन कर सकते हैं। कंपनीज फंड रिक्वायरमेंट, अगर कंपनी के फंड की रिक्वायरमेंट, कंपनी को इमीडिएट फंड चाहिए तो उस केस में आप क्रेडिट लिमिट कम कर सकते हैं, बट अगर कंपनी के पास सफिशियंट फंड है तो वहां अगर डिमांड होती है तो आप क्रेडिट लिमिट थोड़ी सी एनहांस कर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पर हम क्रेडिट लिमिट जो है सेट करते हैं। अब बात करते हैं एजिंग रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है। अगर ये पूछा जाता है कि एजिंग रिपोर्ट को एक्सप्लेन करें, तो देखिए एजिंग रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है जो बताती है कि इनवॉइस जो है उसकी कितनी एज हो चुकी है। जैसे जैसे किसी चीज की एज होती है वो पुरानी होती जाती है, तो इनवॉइस कितना पुराना हो गया है, कितने दिन पुराना हो गया है, ये हमें बताती है एजिंग रिपोर्ट। इसमें क्या चेक किया जाता है, इसमें चेक किया जाता है कि इनवॉइस कितना पुराना है, कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी थी बिफोर क्रेडिट पीरियड, या फिर जो क्रेडिट पीरियड आपने अलाउ किया था उसके अंदर अंदर पेमेंट कर दी, या फिर कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट ही नहीं करी, उनका क्रेडिट पीरियड भी ओवर हो गया है। इसको आप दो कैटेगरी में देखेंगे, ओल्ड वर्सेस वेरी ओल्ड।
फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट पीरियड दिया था 30 दिन का, और कोई कस्टमर ऐसा है जो 32 या 33 दिन में आपको पेमेंट कर रहा है, दैट इज सफिशियंट। या किसी कस्टमर की अभी 32 33 दिन हुए हैं, अभी उसकी पेमेंट पेंडिंग है, वर्सेस वो कस्टमर जिनकी 6 महीने 8 महीने से पेमेंट पेंडिंग है। तो जो वेरी ओल्ड वाले हैं उनको आप देखेंगे, उनसे आप फॉलो अप करेंगे, और अगर वो स्टिल पेमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसको आप बैड डेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि 6 महीने 8 महीने पुरानी पेमेंट को आप स्टिल अकाउंट रिसेबल में कंसिडर नहीं कर सकते। अमाउंट वाइज एजिंग, इसमें देखेंगे कि कितना बड़ा अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एजिंग रिपोर्ट दिखा रही है कि आपको ज्यादातर टाइमली पेमेंट मिल जाती है, बट अगर कोई बड़ा अमाउंट आता है उसकी पेमेंट में चैलेंज आता है, तो अमाउंट वाइज एजिंग देखेंगे, जिससे बहुत ज्यादा जो बड़े अमाउंट है उस पर इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके, वो आपको टाइमली मिल जाए पेमेंट। कस्टमर वाइज एजिंग, कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो टाइमली पेमेंट करते हैं, कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो टाइम से पहले पेमेंट करते हैं, वर्सेस कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो थोड़ा डिले करते हैं। अब बात करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस को कैसे एनालाइज करें। देखिए सबसे पहले जैसे हमने बात करी थी कि क्रेडिट सेल जो है उसको टोटल सेल से कंपेयर करेंगे। क्रेडिट सेल जो है 30-40% हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, बट बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। एजिंग रिपोर्ट को मैनेज करेंगे, जैसे हमने देखा था इनवॉइस की एज देखेंगे कि क्या बहुत ज्यादा इनवॉइस पुराना है या फिर अभी नया है, तो कैसे उसको मैनेज करेंगे वो एजिंग रिपोर्ट के थ्रू आप एनालाइज करेंगे। फर्दर आप इसमें देखेंगे की कस्टमर्स कौन से हैं, क्योंकि हो सकता है 20% कस्टमर ऐसे हो जो आपको 80% बिजनेस देते हैं, तो उन कस्टमर पर आप हाईली फोकस करेंगे, उनकी एक एक एक्टिविटी, उनके एक एक अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस को आप इफेक्टिवली फोकस करके मैनेज करेंगे। और ये भी देखेंगे कस्टमर इफेक्टिवनेस फॉर द बिजनेस, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके बिजनेस के लिए, जैसे टाइमली पेमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू की परचेज करते हैं, और बहुत ज्यादा अगर आप उनको डिस्काउंट थोड़ा ऑफर करते हैं तो वो आपको काफी ज्यादा बिजनेस ला कर देते हैं, तो कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो आप बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इफेक्टिव है। और इसमें ये भी देखेंगे कि अगर बिजनेस जो है क्रेडिट पीरियड थोड़ा सा रिवाइज करता है, लेट्स से 20 डेज की जगह 30 डेज का अलाउ कर रहे हैं क्रेडिट पीरियड, अब आप कस्टमर को कि आप 30 दिन में आप पेमेंट दे सकते हैं, पहले 20 दिन था ये पीरियड, तो उससे जो सेल है उसमें कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी सेल बढ़ी है, तो इसके इम्पैक्ट को भी आप एनालाइज करेंगे। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल से कैसे रिलेशन होता है अकाउंट रिसीवेबल का। इसके लिए समझते हैं वर्किंग कैपिटल बेसिकली होती क्या है। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में लगा हुआ पैसा। वर्किंग कैपिटल जो भी करंट में चल रहा है, दैट मींस ऐसा पैसा जो डेली बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटी, प्रोडक्शन की बात करें, सेल की बात करें, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उसके लिए जो पैसा चाहिए उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसके लिए अगर बिजनेस उधार लेता है तो उस पर जनरेट होते हैं क्रेडिटर, और मान लीजिए क्रेडिटर जो है वो बिजनेस को दे रहे हैं 50 दिन का टाइम कि 50 दिन में आप पेमेंट कर दें। बिजनेस ने आगे उधार में माल बेचा तो वो बिजनेस के बन गए डेब्टर्स, और अगर बिजनेस कह रहा है कि 30 दिन के अंदर पेमेंट दे दो, तो इसका मतलब यह है कि 50 दिन में आपने पेमेंट देनी है और आपको पेमेंट मिल जाएगी 30 दिन के अंदर, तो ये बहुत अच्छा साइन है। बट अगर 50 दिन में आपको पेमेंट देनी है और आपको पेमेंट मिलेगी 60 दिन के अंदर, तो 10 दिन का जो टाइम है उसके लिए जो बिजनेस है उसको या तो बिल डिस्काउंटिंग करानी पड़ेगी या फिर कोई शॉर्ट टर्म लोन देना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक इतना ज्यादा हेल्दी साइन बिजनेस के लिए नहीं है। तो इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल, और साथ में देखेंगे कि क्रेडिटर और डेप्टर इसको आपस में कैसे मैनेज करें। तो इस तरीके से जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रो के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन को एनहांस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।